नमस्कार, हम हैं इस समय पर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपका स्वागत है। यहाँ पर हिमालयन मोनाल, कोकलास फेजेंट, चोकर, स्नो पैट्रेज, रेड बिल्ड चाओ, गोल्डन बुश रॉबिन, हिमालयन ब्लू टेल, चेस्टनट टेल मिलना, बैरीगेटेड लाफिंग थ्रस, लेमर गिर, हिमालयन ग्रीफोन, यूरेशियन ग्रीफोन, लार्ज विल्ड क्रो, गोल्डन बुश रॉबिन, रूफस गॉर्जेटेड फ्लाई कैचर, वाइट ब्राउड फुलबट्टा, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं बर्ड्स की यहाँ पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहीं पर तुंगनाथ टेंपल भी है और चंद्रशिला भी है, जहाँ बताते हैं रावण ने पहली बार तपस्या करी थी। रावण ने यहीं पर तपस्या करी थी। इसकी हाइट 4000 मीटर है। केदारनाथ बद्रीनाथ से ऊपर है। इसकी हाइट तुंगनाथ की हाइट है 4000 मीटर सी लेवल से। तो और यहाँ से अगर आप चंद्रशिला जाना चाहेंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी पर, तुंगनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। क्लाउड्स आए हुए हैं, पीछे की तरफ स्नो है। आप जो छोटे छोटे प्लांट्स जो देख रहे हैं, ये रोडोडेंड्रन है, जो इसको ब्रांस बोलते हैं। और ब्रांस का जो जूस होता है हार्ट के लिए, चेस्ट के लिए, पेट के लिए, चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इसको गर्मियों में ही यूज करते हैं, सर्दियों में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है, इसलिए इसको गर्मियों में यूज करते हैं। ये एक फोटोग्राफर हैं जो नीचे गए हुए हैं, मोनाल का फोटो खींच रहे हैं, मेन मोनाल का। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मेडिसन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसन। ये देखिए आप सामने की तरफ देखेंगे, हल्का सा मौसम खुला है तो इस पे आपको स्नो भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये स्नो भी है, कुछ पड़ा है, कुछ इसमें से ख़त्म हो गया है। ये तुंगनाथ वाला रास्ता है, जो यात्री तुंगनाथ दर्शन करके नीचे लौट रहे हैं। खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत नज़ारा है ये। डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच कैसी है। ये छोटे छोटे फूल आयुर्वेदिक मेडिसिन के काम आते हैं। ये है आपकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। जो लोग यहाँ पर ट्रैक करना चाहें या तुंगनाथ के दर्शन करना चाहें, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम हरि ओम, भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 90 12 65 66
53। धन्यवाद।